अरे चलो भाई, चलो मेरे साथ। अरे मेरी बात तो सुनो तुम। मैंने कहा ना आपसे, मुझे आपकी कोई बात नहीं माननी है। तुम जाओ यहाँ से। राज अंकल, तुम पहले मेरे साथ आओ। मुझे कहीं नहीं आना आपके साथ। आप यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मदद करने से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे। आपने जो किया है ना, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, देखना तुम। भाई ठीक है, तुम दिला देना मुझे सजा, जेल में डलवा देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? हाँ आओ मेरे साथ। ये आदमी कौन है? बलराज अंकल को पुलिस की धमकी दे रहा है। बैठो। कहीं से आदमी ने तो राज को किडनैप नहीं किया? और हो सकता है राज अंकल के खिलाफ चला गया हो। और सारांश का मेरा बच्चा? ये तो जा रहे हैं मेरा सारांश। क्या करूं? जल्दी उस गाड़ी का पीछा करो। रोको भैया, रोको 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 रोको। भैया थैंक यू। अरे यहाँ क्यों आए? ये उसी आदमी का तो घर नहीं? हो सकता है उसने सारांश को यही रखा। मैं अंदर जाकर देखती हूँ। रुद्राक्ष को फौरन कॉल करके बुला लेती हूँ। अम्मा? हाँ माँ। करना, वो पेपर सब रेडी हो गया? करना, हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं जीपीएस को घर ले जाने के लिए। तुम आई नहीं, बार बार तुम्हारे और सारांश के बारे में पूछ रहे। मैं क्या बोलूँ? तुम एक काम करना करना, तुम ही आ जाना। मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो? अम्मा मैं अभी नहीं आ सकती, मैं सारांश को लेने आई हूँ। वेंकटेश्वरा, सारांश मिल गया? नहीं अम्मा, अभी नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा। जहाँ सारांश है ना, मैं वहीं आई हूँ। सरी, तुम एक काम करना, तुम जाओ सारांश को ले आना। मैं यहाँ जीपीएस को संभालूंगी और किसी को कुछ बताऊंगी नहीं। हाँ, और युवराज को भी प्लीज कुछ मत बताना। मैं सारांश को ढूंढने से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ठीक है प्रिशा। वेंकटेश्वरा, सारांश जल्दी से मिल जाए, मेरी प्रिशा का क्या हुआ? प्रिशा को क्या हुआ? प्रिशा को? अरे डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी, प्रिशा कहाँ है? आपने फोन किया ना उसे? मैंने फोन नहीं किया, जानबूझकर। जीपीएस बार बार सारांश के बारे में पूछ रहा है ना, प्रिशा को अकेला देखेगा तो फिर से पूछेगा सारांश कहाँ है, ये सब कंफ्यूजन क्यों, इसीलिए फोन नहीं किया। हम लोग ये लेकर चलते ना जीपीएस को, सब हो गया ना? हाँ जी। अब मैं आती हूँ। फोन डेड हो गया, चार्जर भी नहीं है। पीसीओ ढूंढने गई तो ये लोग निकल गए, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, खुद ही अंदर जाती हूँ। अंकल ने देख ले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहाँ है सारांश? हाँ, मैं जो बोलूंगा वो तुमको करना पड़ेगा। ये क्या तरीका है बात करने का? कर तो रहा हूँ हेल्प। तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप, और अगर नहीं करना है ना तो जा सकते हैं आप यहाँ से, फिर देखो मैं क्या करता हूँ।
तो किसी औरत के चिल्लाने की आवाज है, लेकिन ये चिल्ला क्यों रही है? मैं जाकर देखती हूँ। तुम कौन हो और अंदर कैसे आ गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपके उसे छोड़ो, पहले मेरे इस दर्द का कुछ करो, मैं मर जाऊंगी इस दर्द से। अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, ठहरो। तुम इसको जानती हो ना? हाँ, लेकिन तो हाथ मत लगाना मेरी पत्नी को, दूर हो जाओ, इस आदमी ने मेरी टांग तोड़ी है। ये चोट आपको इनकी वजह से लगी है? मैंने कहा ना, हाथ मत लगाना मेरी पत्नी को, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। आपकी पत्नी की हालत अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, प्लीज मुझे देखने दीजिए। नहीं, तुम इस आदमी की गैंग से हो, मिली हुई हो तुम इससे। मैं आपको मेरी आईडी कार्ड दिखा देती हूँ, ये देखिए मेरा हॉस्पिटल आईडी, डॉक्टर प्रीशा श्रीनिवास। ये पेन नॉर्मल नहीं है, आप क्यों अपने बच्चे और वाइफ की लाइफ रिस्क में ले रहे हैं? प्लीज मुझे देखने दीजिए। प्लीज, कौन सा महीना चल रहा है? 8वां महीने के हिसाब से लेबर पेन बहुत जल्दी है, हमें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, मैं फोन करता हूँ। अरे संभल के, मेरी हालत तुम्हारी वजह से हुई है, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ ना, कुछ नहीं होगा, मार दूंगा मैं तुम्हें। कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। अभी इनको हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत जरूरी है, प्लीज आप अपना फोन दीजिए। अरे मेरा फोन क्यों? दीजिए ना उनकी हालत तो देखिए, फोन दीजिए। अरे दीजिए ना फोन। अरे अच्छा ठीक है, देर ये लो। हेलो, डॉक्टर प्रीशा है, इमरजेंसी केस है, प्लीज जल्दी एम्बुलेंस लेकर आ जाइए, मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ। ओके, एम्बुलेंस तो आ जाएगी, लेकिन तब तक हमें इनकी केयर करनी होगी। प्लीज एक गिलास पानी लेकर आइए। पानी वहाँ किचन से? आप जाकर एक गिलास पानी लेकर आइए। अरे जाइए ना, तुम मुझे कैसे जाने को? अरे जाइए ना, उनकी हालत तो देखिए आप। तुम भी ना। ये लो। जल्दी जल्दी पानी दीजिए। बस थोड़ी देर, एम्बुलेंस आ जाएगी अभी, ब्रीथ। कुछ नहीं होगा तुमको, कुछ नहीं होगा। थैंक गॉड एम्बुलेंस आ गई। आप एक काम कीजिए, आप इनके साथ एम्बुलेंस में जाइए, हम पीछे पीछे फॉलो करते हैं। हाँ आंटी, एक और काम है तेरे उस हैकर फ्रेंड के लिए, प्रीशा का फोन ट्रेस करना है और पता लगाना कि वो कहाँ है। उसने लास्ट कॉल माँ को किया था और बताया था कि सारांश के बारे में कुछ पता चला है उसको। यार वो किसी प्रॉब्लम में हो सकती है, तो प्लीज जल्दी से पता कर और मुझे लोकेशन बता, ठीक है? आप बताएंगे कुछ? क्या बताऊं? यही कि ये सब क्या हो रहा है, मिस्टर बब्बर कौन है, ये एक्सीडेंट कब हुआ, आप पिछले 2 दिन से कहाँ थे, और सबसे पहले ये बताइए कि मेरा सारांश कहाँ है? अभी तक मिला नहीं क्या? मुझे क्या पता होगा कहाँ पर है वो? आप ही को पता होगा ना सारांश कहाँ है। अरे लेकिन मुझे क्यों पता होगा भाई? गॉड, ये सारी चिक चिक से बचने के लिए मैं होटल में गया था, 2 दिन रहा वहां पर, लेकिन होटल का पोला स्टार। तुम्हें कैसे पता? हमने आपका ऑर्डर ट्रैक किया था, आपने सारांश के लिए कपड़े मंगवाए थे ना, होटल में ही मंगवाए थे। तुम जासूसी कर रही हो मेरी, और ये सारांश सारांश क्या लगा रखा तुमने? मैं उसके लिए कपड़े क्यों खरीदूंगा? मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? तो वो कपड़े किसके लिए थे? दान करने के लिए, अनाथालय में, रुद्र के नाम से। आजकल कोई लाइव शोज नहीं चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उसके नाम से थोड़ा सा चैरिटी वर्क कर देता हूँ, उसे न्यूज में बनाए रखने के लिए, लेकिन फिर वो भी कैंसिल करना पड़ा। उसी रात मुझे पता चला कि मेरा लैपटॉप जो है वो किसी ने हैक कर लिया। अपना लैपटॉप लेने के लिए मैं ऑफिस जा रहा था कि वो बेवकूफ बब्बर जो है वो मेरी गाड़ी के सामने आ गया एक्सीडेंटली। पीछा ही नहीं छोड़ रहा है मेरा, माफी मांग ली, पैसा दे दिया, लेकिन वो है कि बात बात पे पुलिस की धमकी देने लगता है मुझे। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए हेल्प करने के लिए उसने मुझे अपने पास रोक लिया। मैं भी मना नहीं कर सका, ऑलरेडी गिल्टी फील कर रहा था कि मेरी वजह से उसकी टांग टूट गई, और मैं नहीं चाहता कि उसके बच्चे को कुछ। अपने बेटे को खोया है मैंने, बेटे को खोने का दर्द क्या होता है, क्या दुख होता है, वो मैं जानता हूं। मैं
और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो दुख किसी और को भी मिले. That's all. इसलिए उसके साथ रह रहा हूँ, उसकी हेल्प कर रहा हूँ. उसकी इतनी बकवास सुनने के बाद भी. देखिए, आप प्लीज ये बता दीजिए कि सारांश कहाँ है. ये बता दीजिए आपने उसे किडनैप क्यों किया है. तुमको लगता है कि मैंने उसे किडनैप किया है? ध्यान से देखो मुझे, किडनैपर दिखाई देता हूँ मैं तुम्हें. आप ही नहीं चाहते थे ना कि वो घर पर रहे तो. ओह गॉड. इसका मतलब सच में आपने उसे किडनैप नहीं किया? अरे भाई नहीं किया मैंने उसे किडनैप, नहीं किया. मुझे मेरे राजीव की कसम, मैंने उसे किडनैप नहीं किया.